Hello, good morning students. Welcome to Shraddha English Medium School online classes. Standard 4, Subject English. Chapter 1, Tom and his tooth. Tooth माने दांत. Tom नाम का एक लड़का है और उसके tooth की स्टोरी यहाँ पर इस लेसन में आपको दी गई है. सबसे पहले हम लर्न करते हैं हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज आई डबल एल ई, ई माने बीमार. सेकेंड वर्ड इज एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक. स्टमक माने पेट, हमारा बेली. थर्ड वर्ड इज टी डबल ओ टी एच, टूथ. टूथ का प्लूरल होता है टीथ. टूथ का प्लूरल होता है टीथ. ये टूथ है वो सिंगुलर वर्ड है. टूथ माने एक दांत और टूथ का प्लूरल होता है टीथ. टीथ माने एक से ज्यादा दांत. फोर्थ वर्ड इज पुल, पी यू डबल एल पुल. पुल माने खींचना और पुल का ऑपोजिट वर्ड होता है पुश, माने दबा देना, धकेलना. फिफ्थ वर्ड इज रिमेम्बर्ड, आर ई एम ई एम बी ई आर ई टी, रिमेम्बर्ड. रिमेम्बर्ड है वो रिमेम्बर का पास्ट वर्ड है. रिमेम्बर्ड मीन्स याद आना. सिक्स्थ वर्ड इज मेडिसिन, मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई, मेडिसिन माने दवा. सेवन्थ वर्ड इज ए एल ओ यू डी अलाउड, अलाउड माने जोर से. एट वर्ड इज फॉरगिव, एफ ओ आर जी आई वी ई, फॉरगिव माने माफ कर देना. नाइन्थ वर्ड इज क्यू यू आर वी ई आर आई एन जी, रिवेरिंग. क्यू यू आर वी ए आर आई एन जी, रिवेरिंग मीन्स ध्रुजते ध्रुजते. टेंथ वर्ड इज जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस माने चश्मे, जिसको हम स्पेक्स भी कहते हैं. ग्लासेस माने चश्मे. इलेवेंथ वर्ड इज पी आर ओ बी एल ई एम, प्रॉब्लम माने ट्रबल या फिर मुश्किली. प्रॉब्लम माने ट्रबल, मीनिंग होता है इसका मुश्किली. ट्वेल्थ वर्ड इज पी ए आई एन एफ यू एल, पेनफुल मीन्स दर्द करने वाला. पेनफुल बहुत ही दर्दनाक. थर्टीन्थ वर्ड इज एल यू एम पी, लम यानी कि टुकड़ा, यहाँ पर कोयले का टुकड़ा. एल यू एम पी लम माने टुकड़ा. फोर्टीन्थ वर्ड इज स्किलफुली, एस के आई डबल एल एफ यू डबल एल वाई, स्किलफुली माने बहुत ही होशियारी से, बहुत ही अच्छी तरह से, होशियारी से अच्छी तरह से. फिफ्टीन्थ वर्ड इज स्वेट, एस डब्ल्यू ए वाई ई डी, स्वेट माने कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह से जगह तक हिलाना. स्वेट एस डब्ल्यू ए वाई ई डी, कोई भी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह से हिलाना, तो स्वेट. सी ओ एल कॉल माने कोयला, सी ओ एल कॉल माने कोयला. नाम लास्ट वर्ड इज बी आर ए बी ई ब्रेव माने बहादुर, बी आर ए बी ई ब्रेव माने बहादुर. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स. अब हम चैप्टर समझने से पहले इसके एंटोनिम्स और इसकी ग्लोसरी आपको लेसन में दी गई होती है उसको हम समझेंगे. बाद में हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 9 पे एंटोनिम्स दिए हैं. एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स. तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया है इल. इल का ऑपोजिट वर्ड होता है हेल्दी. इल माने बीमार, हेल्दी माने तंदुरुस्त, जो बीमार ना रहता हो वैसा. नेक्स्ट वर्ड है रिमेम्बर. ये रिमेम्बर का पास्ट वर्ड यहाँ पे दिया है रिमेम्बर्ड, याद आना. और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है फॉरगॉट. फॉरगॉट, फॉरगेट का पास्ट वर्ड यहाँ दिया है फॉरगॉट माने भूल जाना. रिमेम्बर याद आना, फॉरगॉट भूल जाना.
फिर पेज नंबर 10 पे आप लोग आपको एंटोनिम्स दिया है अलाउड जोर जोर से और उसका ऑपोजिट वर्ड का है सॉफ्टली माने धीरे से शांति से। फिर है फॉरगिव माने माफ करना उसका ऑपोजिट होता है पनिश यानी उसको सजा देना माफ करना सजा देना। फिर पेज नंबर 11 पे आपको एंटोनिम्स दिए हैं फर्स्ट इज पेनफुल यानी दर्दनाक और पेनलेस जिसमें दर्द ना हो होता हो ऐसा। फिर है टाइड टाइड माने बांधना कोई भी डोरी से कोई भी थिंग्स को बांधना। फिर अनटाइड मीन्स उसको छोड़ना बंधी हुई चीज को छोड़ना। नेक्स्ट नाउ लास्ट वर्ड इज ब्रेव उसका ऑपोजिट होता है कावर्ड ब्रेव बहादुर कावर्ड मीन्स जो बहादुर ना हो ऐसा सॉरी जो बहादुर हो सॉरी डरपोक ब्रेव बहादुर कावर्ड डरपोक डर जाए वैसा डरपोक। स्टूडेंट्स अब हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं। पेज नंबर 9 पे कोई ग्लोसरी नहीं है और पेज नंबर 10 पे ग्लोसरी दी है वो देखते हैं हमें क्या कहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वर्ड मैंने ये हार्ड वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए उसमें मैंने इसके मीनिंग भी आपको समझाए और फिर यहाँ पर ग्लोसरी दी है उसके मीनिंग्स जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग्स दिए होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड ऐसा हमें यहाँ दिया है ब्रॉन ब्रॉन माने क्या होता है मैं अलाउ साउंड इन पेन और सैडनेस जो दर्द की जो तकलीफ होती है उससे धीरे धीरे से ऐसी रोती हुई आवाज निकालनी। फॉरगिव माने टू स्टॉप फीलिंग एंग्री विद समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। फॉरगिव माने माफ करना मीन्स ऐसी फीलिंग कि किसी ने कुछ गलत किया है पर फिर भी हम उसको पनिश नहीं करते हैं उसको उसकी जो गलती है उसको भूल जाते हैं उसको माफ कर देते हैं। क्विवरिंग तो शिवरिंग ऑफ शेकिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड और फियर कोई भी डर के कारण या ठंडी के कारण ध्रुजना हमारे शरीर में जो ध्रुजारी होती है उसे कहते हैं क्विवरिंग या फिर शिवरिंग। फिर पेज नंबर 11 पे हमें ग्लोसरी भी है लम यानी कि पीस ऑफ सॉलिड मैटर विदाउट एनी पर्टिकुलर शेप ऐसी कोई शेप ना हो ऐसी थिंग्स यानी कि स्टोन है या फिर कोयला है तो उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है तो ऐसी जो ये सॉलिड मैटर होती है तो उसका टुकड़ा ऐसी कोई सॉलिड मैटर का टुकड़ा। स्किलफुली डूइंग सम वर्क वेरी वेल स्किलफुली मीन्स कोई भी काम अच्छी तरह से पूरा करना। स्वेग मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर एक साइड से दूसरी तरह से इसे मूव करना ले जाना उसे कहते हैं स्वेग। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी ग्लोसरी और यहाँ पर एक फैक्ट दिया है वो भी हम रीड कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कहा है Each person's set of teeth is different from that of others. यहाँ पे हमें कहा है कि सबके टीथ सभी पर्सन के टीथ एक जैसे अरेंज नहीं किए होते किसी के छोटे किसी के बड़े किसी के ऊपर नीचे होते हैं कुछ किसी के आगे पीछे टीथ होते हैं तो सबका जो ये टीथ का जो सेट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है एक दूसरे से अलग होता है किसी के टीथ एक जैसे होते नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें आपको ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन येलो बॉक्स में ऐसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करके ऐसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन लिए होते हैं वो भी आपको बुक में लिखने ही होते हैं पर इसकी मैं जब आपको फोटो भेजूं तब आपको इसको CW में लिखना है। फर्स्ट नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट आवर लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस येलो बॉक्स योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एंड नाउ सी येलो बॉक्स गेट्स द आंसर टू दिस रीडल रीडल आपको एक रीडल दिया है जिसका आंसर हमें
देना है। 32 व्हाइट हॉर्सेस ऑन अ रेड हिल, कहा है ये जो रेड हिल यहाँ पे टीच के नीचे जो होता है वो रेड हिल कहा है कि हमें कहा है कि इस रेड हिल के ऊपर 32 व्हाइट हॉर्सेस, ये हमारे टीच का कलर व्हाइट होता है इसलिए हमें कहा है ऐसे 32 व्हाइट हॉर्सेस। फर्स्ट देन चैंप, जो फर्स्ट होते हैं वो चैंप होते हैं। देन दे स्टैंप, और जो फिर होते हैं वो स्टैंप होते हैं। देन दे स्टैंड स्टिल, और फिर वो सब एक साथ में खड़े होते हैं। ज्वाइन द डॉट्स टू फाइंड द आंसर, इस डॉट्स को यहाँ पर दिया है उसको ज्वाइन करना है और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें इस रीडर का आंसर क्या मिलता है, टूथ। इसका आंसर हमें क्या मिलता है, टूथ। Now let's see the lesson. It was Monday morning. Students, आप सबकी बुक आपके पास होनी चाहिए और आपको बुक में ध्यान रखना है। It was Monday morning. वो Monday माने यहाँ पे डे का नेम दिया है। Monday माने सोमवार की सुबह थी। Tom did not want to go to school that day. Tom नाम का एक लड़का है जो उस दिन स्कूल जाना चाहता नहीं था। He lay in bed, thinking if only he were ill, he wouldn't have to go to school. वो ऐसे ही पथारी में सोया हुआ सोचता है कि अगर वो बीमार होता तो उसे स्कूल जाना पड़ता नहीं। But then he wasn't ill. पर वो बीमार नहीं था। His stomach felt all right. उसका पेट बेली, उसका स्टमक भी ठीक है। So did his head. और इसलिए उसका हेड भी, उसका सरदर्द भी उसको नहीं है। तो उसे हेडेक भी नहीं है, उसको सरदर्द भी नहीं है। He had loose tooth that hurt sometimes. पर हाँ, उसका एक जो दांत था वो हिल रहा था, उसका जो टूथ था वो लूज था, हिल रहा था, तो कभी कभी उसका दर्द उसे होता था। इफ आंट पोली केम टू नो फिली, आंट पोली नाम की उसकी आंटी है, उसके आंटी का नेम है वो है पोली। तो आंट पोली जो है उसको अगर इस बात का पता चला तो क्या होगा, She would pull it out at once. तो वो एक ही झटके में, एक ही बार में मेरे टूथ को निकाल देगी। No, that would not work. None. ये बहाना तो स्कूल न जाने का, ये बहाना तो नहीं चलेगा, कोई दूसरा बहाना सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप भी ऐसा ही करते हो, करते हो कि नहीं, छुट्टियों के दिन में आप बहुत ही जलसे करते हो, इधर उधर घूमते हो, खेलते हो पूरा दिन, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, देर रात तक खेलते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, फिर जब स्कूल जाने के डेज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तब आपको आलस आती है कि नहीं। तो टॉम का भी यही हाल है, और वीकेंड में भी ऐसा ही होता है। संडे बहुत आनंद से आप पूरा करते हो, फिर मंडे जब स्कूल आना होता है तब आपको आलस आती है, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात को देर तक आप जगे होते हो। तो यहाँ पर टॉम भी बहाना बनाता है, आप भी ऐसे ही बहाने बनाते हो, मम्मी पैर दर्द कर रहे हैं, मम्मी सर दर्द कर रहा है, ऐसे ही बहाने आप भी बनाते हो। तो टॉम ने भी यहाँ पर एक बहाना सोचा स्कूल नहीं जाने का, पर बाद में उसने सोचा कि नहीं नहीं ये बहाना तो काम नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मियां तो जानती होती है हमें, है ना, मम्मियां तो जानती होती है आप सबको। यहाँ पर टॉम की आंटी भी टॉम को जानती है कि टॉम ऐसे बहाने कई बार करता है, अगर ऐसा हुआ भी तो वो मुझे जल्दी से ठीक कर भी देगी। तो यहाँ पर फिर टॉम सोचता है कि ये मेरा बहाना नहीं चलेगा, कोई और बहाना सोचना पड़ेगा। Then he suddenly remembered. फिर उसे अचानक से याद आता है। He had cut his toe the week before and he hadn't applied medicine on it. एक वीक से पहले उसका
दूसरा पैर का अंगूठा जिसको टो कहते हैं वो कट हुआ था, मीन्स उसमें इंजरी हुई थी उसे, और उस पर उसने दवाई मेडिसिन नहीं लगाई थी। मे बी दैट कट वुड बी सीरियस इनफ टू कीप एट होम, टू कीप मी एट होम। शायद ये मेरा बहाना है वो मुझे घर पे रहने में काम लग जाए। क्या मैं शायद ये ऐसा कहूँ कि मेरा ये टो है वो दर्द करता है, उसमें मैंने मेडिसिन अप्लाई नहीं की थी तो अब थोड़ी उसमें सीरियस मैटर हो गई है, तो थोड़ी इंजरी ज्यादा बढ़ गई है, तो शायद ये मेरा बहाना है स्कूल ना जाने का, वो काम कर जाए। ऐसा सोचते वो क्या करता है, टॉम बिगेन टू ग्रोन लाउडर एंड लाउडर। टॉम जोर जोर से रोने लगता है, ट्राइंग टू वैक सीधा। सिड नाम का उसका छोटा भाई है, वो ऐसे जोर जोर से रोने लगता है और वो अपने भाई जो उसके बाजू में सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश करता है। बट नो सिड वुडंट, पर सिड उठता नहीं है। सिड वाज टॉम्स ब्रदर, सिड टॉम का भाई था। Finally he cried aloud, "Sid, wake up, I'm dying." और फिर वह में और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है और सिद उठ जाता है और टॉम बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, I'm dying, मैं मर रहा हूँ। What happened, Tom? Sid asked. Shall I go, Auntie? फिर सिद टॉम को पूछता है कि क्या हुआ टॉम, क्या मैं आंटी को बुलाऊं? Don't bother, I'll get better, Tom said and groaned again. फिर टॉम उसे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, I'll get better, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो फिर से groaning means ऐसे धीरे धीरे से ऐसे रोना शुरू कर देता है। Don't groan like that, Tom. Since how long have you been feeling like this? Asked Sid. Sid, उसका जो भाई टॉम का भाई है वो उसे पूछता है कि इस तरह से रो मत, और ये तुम्हें कब से ऐसी फीलिंग हो रही है, ये कब से ये पेन तुम्हें शुरू हुआ है? All night, but I know I'm about to die, and I'm glad for it. टॉम से कहता है कि पूरी रात ये मुझे दर्द, ये पेन हो रहा है पूरी रात से, पर मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ और उसका मुझे आनंद है, उसकी मुझे खुशी है कि मैं मर रहा हूँ। सी आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, टॉम अपने भाई सिड को कहता है कि तूने जो भी गलती की अभी तक वो सब मैं तुझे माफ करता हूँ, आई फॉरगिव एवरीवन, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि वो मर रहा है इसलिए वो कहता है कि सिद मैं तुझे माफ करता हूँ और मैं सबको माफ करता हूँ। व्हेन आई एम डेड, जबकि मैं मर रहा हूँ तो अब मुझे किसी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी लाचितुआ नहीं है, मैं आप सबको माफ करता हूँ। डेड सिद कहता है, डेड मरता है, मर रहा है। यस सिद, Tell Aunt Polly that I forgive her for beating me. हाँ सिद, तू आंट पोली को जाके बोल देना कि उसने मुझे मारा था, फिर भी मैं उसे माफ करता हूँ। उसने मुझे जब भी डांटा है, मारा है, उन सब के लिए मैं उसको माफ कर रहा हूँ। Give my cat to that new girl, please. उस नई लड़की को मेरी cat दे देना। ऐसा एक काम है, ये काम मेरा कर देना। सिद रेन डाउनस्टेयर्स क्राइंग, आंटी, टॉम इज अबाउट टू डाई। सिद रोते हुए दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आंट पोली को बोलता है कि आंटी टॉम मर रहा है, जल्दी से आप ऊपर आओ। व्हाट इज टॉम डाइंग, आंट पोली क्राइड। अचानक से ऐसा सुना उसने सिद की आवाज सुनी तो आंट पोली चिल्ला उठी कि क्या
टॉम मर रहा है? आई डोंट बिलीव इट, सी सेड रशिंग अपस्टेयर्स। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बोल रही है कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि टॉम मर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। व्हाट हैपेंड टॉम, आंट पॉली आस्क्ड इन अ क्वेरिंग वॉइस। इसलिए आंट पॉली है वो अचानक से ऐसी बात, ये बात सुनकर वो उसके शरीर में क्वेरिंग आ जाती है, उसका बॉडी है वो शिविंग कर रहा है, मींस ध्रुज रहा है, और वो टॉम को पूछती है कि क्या हुआ टॉम। ओ आंट पॉली, टॉम कहता है कि ओ आंट पॉली, व्हाट्स द मैटर बॉय, सी आस्क्स अगेन। वो फिर से पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है टॉम, मुझे बताओ। ओ आंटी माय टो इट हर्ट्स, वो कहता है कि आंट पॉली आओ आंट, ये मेरा जो अंगूठा है वो दुखता है, वो पेन करता है मुझे। रियली लेट मी टेक अ लुक, सच में चल मुझे देखने दे। आंट पॉली पुट ऑन हर ग्लासेस एंड चेक टॉम्स टॉप। आंट पॉली अपने चश्मे पहनती है और टॉम का अंगूठा देखती है, वो चेक करती है। सडनली सी बिगिन टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम, वो अचानक से हंसने लगती है, और फिर ऐसी बात सुन के उसके अंदर एक डर सा आ गया था कि अचानक से टॉम को क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा डर भी गई थी, तो वो ऐसे हंसने लगती है और फिर वो रोने भी लगती है। There's no problem with your toe, she said, उसने कहा कि तुम्हारे टो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा है। Now get out of bed and get ready for school. अब जल्दी से बेड से नीचे उतरो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तो यह बहाना भी उसका काम नहीं आया। अब आगे देखते हैं और क्या बहाना किया उसने। Suddenly, Tom stopped groaning and added, "It's my tooth as well." अचानक से टॉम ने रोना बंद कर दिया और उसने ऐड किया अपनी बात पे, अपने बहाने पे एक और बहाना ऐड किया। तो मेरा टूथ है जो समटाइम्स मुझे जो कभी कभी दर्द करता है, वो आज भी मुझे मेरा टूथ दर्द कर रहा है। Your tooth? What happened? तुम्हारा टूथ, दांत क्या हुआ? It's loose and quite painful. टॉम कहता है कि वो लूज है, हिलता है और दर्द भी करता है, बहुत दर्द भी उसमें हो रहा है। ओपन योर माउथ, सी सेड, उसने कहा मुंह खोलो। टॉम ओपन हिज माउथ, टॉम अपना मुंह खोलता है। यस द टूथ इज इनली लूज, हाँ सच में तुम्हारा टूथ हिल रहा है, तुम्हारा टूथ लूज है। बट इट वॉन्ट किल यू, पर ये तुम्हें मार नहीं डालेगा, ऐसी बात मत करना, इसने इतनी छोटी सी बात में तुम मर नहीं जाओगे। मेरी फेच दैट स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड अ लंप ऑफ हॉट बर्निंग कोल फ्रॉम द फायर प्लेस, सेड आंट पॉली। आंट पॉली ने मैरी को कहा, मैरी जो उसकी सर्वेंट है, मैरी को कहा कि मैरी जाओ एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक दोरे के धागे का टुकड़ा लेके आओ और एक गरम गरम कोयले का टुकड़ा ले आओ, फायर प्लेस मीन चूल्हे में से एक गरम गरम कोयले का टुकड़ा लेके आओ और एक धागे का टुकड़ा लेके आओ। मैरी वॉज टॉम्स कजिन, मैरी थी सॉरी सर्वेंट नहीं पर मैरी टॉम की कजिन थी। टॉम सेड ओ प्लीज डोंट पुल माय टूथ आउट, टॉम कहता है कि प्लीज मेरे टूथ को ऐसे खींचो मत, खींचना मत ऐसे, इट डजंट हर्ट नाउ, अब वो मुझे दर्द नहीं करता, अब वो मुझे दर्द नहीं करता है, तो प्लीज उसे ऐसे खींच के निकालो मत। आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। ये देयर यू आर, सो द प्रॉब्लम वाज अबाउट गोइंग टू स्कूल। आई नो दैट यू वुड लव टू गो फिशिंग, सेड आंट पॉली। अब आंट पॉली समझ गई कि हाँ ये सब जो तुम्हारे बहाने थे वो स्कूल
नहीं जाने के थे, मुझे पता है कि तुम ऐसे बहाना करते हो, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हें फिशिंग करने जाना अच्छा लगता है। इन द मीनवाइल मैरी कैन इन विद द पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड द रेड हॉट कोल। इन द मीनवाइल उसी समय उसी वक्त थोड़ी देर में मैरी एक धागे का टुकड़ा और एक लाल सा गरम गरम लाल सा कोयला कोयले का टुकड़ा लेके आती है। आंट को स्किलफुली टाई वन एंड ऑफ द थ्रेड टू टॉम्स टूथ। आंट पोली ने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही ध्यान से ठीक से धागे का एक टुकड़ा टॉम के दांत जो उसका लूज टूथ था उसके साथ उसको बांध दिया। She tied the other end to the back post. और उसने back post means जो पथारी का end होता है, किनारी होती है, उसके साथ उसने धागे का दूसरा end, दूसरा छेड़ा जो था उसको बांध दिया। Suddenly she spread the burning coal near Tom's face. और फिर वो ऐसे ही अचानक टॉम के फेस उसके चेहरे के सामने ऐसे कोयले के टुकड़े को हिलाने लगे, इधर से उधर हिलाने लगे। टॉम पुल्ड हिज हेड बैक एंड द टूथ केम आउट। जैसे ही आंट पूरी कोयले का टुकड़ा इधर से उधर ऐसे हिलाने लगी कि टॉम डर गया और जल्दी से उसने अपना जो हेड था वो पीछे पीछे की तरफ को ऐसे ले गया और उसका टूथ खींच के वो बाहर निकल आया। इट हंग स्विंगिंग बाय द बेड पोस्ट। और वो जाके बेड पोस्ट में दोरे के साथ धागे के साथ वो बंधा हुआ था तो वो ऐसे बेड पोस्ट पे वो ऐसे स्पिन करने लगा, मींस झूलने लगा। टॉम हैड टू गो टू स्कूल। टॉम को स्कूल जाना पड़ा। एक स्कूल में ही प्राउडली शोड हिज टूथ टू एवरीवन। वो बहुत ही बहादुरी से प्राउड से वो सबको अपना टूथ बताया उसने। एवरीवन स्पोक अबाउट हाउ ब्रेव ही वाज। सबने ये बोला उसको कि वो कितना बहादुर है। वो डरा भी नहीं और उसने अपना टूथ आंट पोली से निकलवा लिया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर 1। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से एक या दो बार इसको रीड कर लेना, ठीक से समझ लेना। इसके एंटोनिम्स ग्लोसरी ये सब आपको सीडब्ल्यू में लिखना है, पर इसके फोटो जब हम आपको भेजे तब तो आपको लिखना है। और स्टूडेंट्स नाउ सी हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।